विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। राजनीतिक पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर हर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी कर रही है। इसी कड़ी में अमरपाटन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण प्रभारी राजीव बैरागी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। प्रशिक्षण देने आए राजीव बैरागी द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत एवं गहन चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ की गई। 80 वर्ष के ऊपर की आयु पार कर चुके एवं विकलांग मतदाताओं के लिए बैलेट वोटिंग के विषय में उन्होंने विस्तार से बताया। साथ उन्होंने इस वोटिंग में सतर्क रहने की भी अपील की। कांग्रेस की रीति नीति से परिचय कराते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र बैरागी ने सभी कार्यकर्ताओं को दिया। राजीव बैरागी ने कहा कि महंगाई की मार से आम जन त्रस्त है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अल्प समय अवधि की सरकार में सभी लोग शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हुए थे, जिनका यशगान जनता के बीच में आज भी होता है। जी देखिए, मंडलम सेक्टर और हमारे बीएलए के जितने भी साथी हैं तो उनका आज प्रशिक्षण होना है, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो उनके पास अभी नहीं है। हम उन तक एक बार संवाद करके उनके साथ में और जो भी हमारे आगे का प्लान है वो हम उसे डिस्कस करने वाले। मंडलम के लोग हैं, सेक्टर के लोग हैं हमारे और बीएलए साथी हैं पूरी विधानसभा के। इसमें से दो ब्लॉक में डिवाइडेड है ये, तो अभी अमरपाटन ब्लॉक का हो रहा है और फिर रामनगर ब्लॉक का होगा इसके बाद। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।